नमस्कार दोस्तों, क्लास एट डोर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष चौधरी और आज हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है ड्राइंग शीट। क्योंकि अगर आप और टॉपिक से कंपेयर करें तो ड्राइंग शीट बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको बहुत बड़ा नहीं पढ़ने वाला है, आपको 5-10 मिनट की पढ़ना है खाली और आपका पूरा तरह से का टॉपिक कवर हो जाएगा और ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। ड्राइंग शीट पे ड्राइंग बनाते हैं हम, जैसा कि आपको पता होगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं इनके डायमेंशन से। ठीक है, कि इनकी डायमेंशन क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि कितने टाइप के होती हैं ड्राइंग शीट। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि इसके कितने टाइप होते हैं। तो इसके 6 टाइप होते हैं, 6 टाइप होते हैं। ठीक, इसके 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार? तो बहुत ही आसान से नाम है उनके, A0, A1, A2, A3, A4 और A5। इसको A0 भी बोलते हैं, A1, A2, A3, A4, A5। 6 प्रकार हैं, 0 से स्टार्ट हुआ था इसलिए सिर्फ कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। फिर क्या होता है, फिर हमें जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए ये कि इनकी डायमेंशन क्या है, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो जो सबसे बड़ी है वो है A0 या A0, ये है लार्जेस्ट, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन सी है, A5, ये है स्मॉलेस्ट। ठीक, अब बात आती है डायमेंशन की, तो डायमेंशन देख लीजिए क्या डायमेंशन है इनकी। तो डायमेंशन है, अगर मैं यहां पर इनकी चौड़ाई लिखूं और यहां पर अगर मैं इनकी लंबाई लिखूं, तो A0 की यानी A0 की जो चौड़ाई आती है वो आती है 841, और लंबाई कितनी आती है, लंबाई आती है 1189। और एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूं कि जो भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो भी लंबाई है चौड़ाई है, वो सब किस में है, वो सब MM में है यानी मिलीमीटर में है। तो 841 mm और लंबाई है कितनी, 1189 mm। ठीक है, मैं MM बार बार नहीं लिखूंगा इसलिए आपको अभी बता रहा हूँ कि ये सब किस में है, ये सब MM में है। बात करें A1 की, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत आसान सा है ये, बहुत आपको कैसे ध्यान रखना है, देखिए जो इसकी चौड़ाई है वो अगले वाले की लंबाई बनेगी, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं, जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो अगले वाले की लंबाई बनेगी, जो इसकी चौड़ाई है वो अगले वाले की लंबाई। तो सबकी चौड़ाई उससे छोटे वाले की क्या होती है, लंबाई होती है। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पर चौड़ाई थी 841 और लंबाई थी 1189। तो अब ये हो गया A0। फिर बात करते हैं A1 की, तो A1 की लंबाई कितनी होने वाली है, A1 की लंबाई होगी 841। यहां पर क्या नंबर आएगा, ये जो इसकी लंबाई है इसको 2 से गुणा कीजिए, सॉरी 2 से भाग कीजिए, और जो नंबर आएगा वो यहां पे लिख दीजिए। अगर आप इसको 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 10 बचा 18, 2 9 जा 18 बचा 9 और 2 4 जा 8। ठीक है, जो भी दशमलव वाला अंक है उसको भूल जाइए आप, जो भी पूरा पूरा अंक आ रहा है, जैसे कि 594 आ रहा है और उसके बाद जो भी दशमलव में उसको भूल जाइए। तो ये हो गया 594। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिर्फ पहला याद रखना है, बाकी अभी हो जाएंगे। देखिए इसकी चौड़ाई थी 841 मिलीमीटर, इसकी लंबाई थी 1189 मिलीमीटर, इसकी चौड़ाई बन गई इसकी लंबाई, और इसकी लंबाई क्या, इसकी चौड़ाई क्या बनेगी, लंबाई का आधा। अब इसकी चौड़ाई क्या बनेगी, इसकी लंबाई का आधा। कैसे, 841 को 2 से भाग कीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 10 और फिर दशमलव में आ जाएगा इसलिए 0। और ये नंबर तो यहाँ पर आना ही है 594, अब 420 यहाँ पे आना है, और यहाँ पे कितना आना है, इसका आधा 594 को क्या कीजिए, 2 से भाग कीजिए, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 ने 18, 2 7, 2 7 14, ये आ गया। अब क्या है, ये नंबर तो यहाँ जाना है A4 के लिए, 297 हो जाएगी लंबाई, और ये चौड़ाई कितनी होगी, 420 का आधा यानी कितना, 210। अब अगले वाले में क्या होगा, 210 इसकी बन जाएगी लंबाई, चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 297 का आधा, 297 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, दशमलव अगर अंक हटा दें तो बचेगा 148। तो ये होती है इनकी डायमेंशन। दोबारा मैं लिख दे रहा हूँ जिनको समझ में नहीं आया हो, पहली बात तो ये तो तरीका था करने का, तरीका आप लोग अच्छे से समझ लीजिए एक बार,
तरीके में क्या करा है, आपको पहला याद रखना है 841 इंटू 1189, 841 इधर आएगा, इसका आधा इधर आएगा, ये इधर आएगा, फिर इसका आधा इधर, ये इधर, इसका आधा इधर, ये इधर, इसका आधा इधर, ये इधर, इसका आधा इधर। सबसे बड़ी सीट कौन सी होती है? ए नॉट। सबसे छोटी सीट कौन सी होती है? ए फाइव। ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ये पांच सीट हो गई। इनके डायमेंशन क्या क्या आई? 841 इंटू 1189, और ज्यादा वाला नंबर क्या है? उनकी लंबाई है। अगले क्या आई? अगले की ये आई, पर आपको ध्यान कौन सी रखनी है? आपको ध्यान रखनी है सिर्फ पहले वाली, सिर्फ पहले की। आप ए जीरो की याद कर लीजिए, जो कि सबसे बड़ी सीट होती है, उसकी आप लंबाई चौड़ाई याद कर लीजिए, बाकी आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो तरीका भी हमने देखा है वो उस तरीके से सभी हो जाएंगे। सबसे छोटी कौन से निकल के आ रही है? सबसे छोटी निकल के आ रही है ए फाइव। ठीक, ये सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, ये सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट। तो ये जो अभी हमने पढ़ा है, पहली चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी अभी हमने। अब जो दूसरे सवाल बनते हैं वो बनते हैं इनके छोटे छोटे, जैसे कि एरिया पूछते हैं कि एरिया यानी क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्र, क्षेत्रफल, या फिर एरिया बताइए कि ए जीरो का कितना होता है। सिर्फ ए जीरो का ही पूछते हैं। तो ए जीरो का जो एरिया होता है, पहली बात तो उसकी डायमेंशन कितनी होती है? 841 इंटू 1189, ये सब मिलीमीटर में। बात करें अगर एरिया की, तो एरिया होता है इसका, बहुत आसान याद रखने में, 1 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया होता है इसका? 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बाकी इनका यूज कहाँ पे होता है? यूज सबसे ज्यादा तो देखिए A4 शीट का कहाँ पे होता है? फोटो स्टेट वगैरह कराने में होता है। आप लोग जो फोटो स्टेट कराते हैं वो वहां पे होता है, और बाकी सभी का कहीं ना कहीं यूज होता है, पर जो सबसे ज्यादा होता है वो इन लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होता है। ये था, हाँ एक सवाल रह गया है, एक सवाल ये वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए, यानी आपको रेशियो बताना है किसका, लेंथ का और ब्रेथ का। ठीक, तो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो होता है, आपको पता है लेंथ ज्यादा है, ब्रेथ कम है। ठीक, तो इसका क्या होगा? √2:1। अगर कभी आ जाए ब्रेथ का और लेंथ का रेशियो बताइए, तो कितना होगा? होगा 1:√2। ठीक है, एक तो ये बात हो गई छोटी सी आपको याद रखने के लिए, एक आपको इसका एरिया हो गया याद रखने के लिए, एक इसकी डायमेंशन होगी याद रखने के लिए। तो अगर ड्राइंग शीट की बात करी जाए, तो आपको सिर्फ तीन चीजें ध्यान रखनी है, और बाकी ये सारी चीजें तो आप कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको पहले की याद रखनी है, बाकी अपने आप बन जाएंगी। तो इस प्रकार हमने देखी कि 6 प्रकार की शीट होती हैं, जिसका कि ए जीरो सबसे बड़ा, ए फाइव सबसे छोटा होता है, ए जीरो का जो एरिया होता है वो 1 मीटर स्क्वायर का होता है, लेंथ ब्रेथ का रेशियो 1:√2 होता है, और सभी में यही चलता रहता है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक अभी हम शुरू करेंगे, जिसका नाम होगा पेंसिल्स। पेंसिल्स का टॉपिक होगा, जरूर देखिए आप, आपने अपना यहाँ पर कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।